हेलो बच्चों, आज हम टाइप्स ऑफ सॉलिड के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों, हम जो अपने आसपास में सॉलिड चीज़ों को देखते हैं, क्या वो एक्चुअल में सॉलिड होती है? जैसे मैं बात करूं विंडो ग्लास की, क्या विंडो ग्लास सॉलिड है? तो इसका आंसर होगा नहीं। सॉलिड और सॉलिड जैसी दिखने वाली चीज़ों में कन्फ्यूज़न ना हो, इसलिए साइंटिस्ट ने सॉलिड को दो भागों में बांटा है। एक है क्रिस्टलाइन सॉलिड और दूसरा है एमोर्फस सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, उसके पार्टिकल्स जो होते हैं रेगुलर अरेंजमेंट में होते हैं। जैसे ये रेड है, रेड के बाद ब्लू, ब्लू के बाद रेड, रेड के बाद ब्लू, मतलब कि रेड के बाद ब्लू है तो ब्लू है, ब्लू के बाद रेड है तो रेड है। और एमोर्फस सॉलिड में क्या होता है कि इरेगुलर अरेंजमेंट होता है कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का। मतलब कि यहाँ पे देखिए कि यहाँ ब्लू है, उसके बाद फिर रेड है, फिर ब्लू है, ब्लू है, ब्लू है, रेड है, मतलब कि इसका कोई फिक्स्ड नहीं है। ये रेगुलर अरेंजमेंट होने के कारण ये लॉन्ग रेंज ऑर्डर फॉलो करते हैं, और इसका अरेंजमेंट रेगुलर नहीं होता है, इसके कारण ये शॉर्ट रेंज तक ही रह जाते हैं। जैसे हम इसे एग्जाम्पल के तौर पर इस तरीके से समझ सकते हैं, जैसे घर बनाते समय ईंट को एक सिस्टमैटिक ढंग से लगाया जाता है, और सिस्टमैटिक ढंग से लगाने की वजह से हमारा एक बिल्डिंग तैयार हो जाता है। अगर हम वही ईंट को अगर हम सिस्टमैटिक ढंग से नहीं लगाएं, तितर बितर करके लगाएं, कहने का मतलब है कहीं भी किसी तरह से रख दिया, तो क्या घर बन जाएगा? नहीं, वो आधे में ही टूट जाएगा। तो सिस्टमैटिक ढंग से लगाने की वजह से ये लॉन्ग रेंज ऑर्डर फॉलो करता है और ये शॉर्ट रेंज, वो टूट जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं मेल्टिंग पॉइंट की, तो इसकी मेल्टिंग पॉइंट शार्प होती है। शार्प होती है कहने का मतलब कि सपोज किसी एक क्रिस्टलाइन सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट मान लो 400 डिग्री सेल्सियस है, तो वो 400 डिग्री सेल्सियस पे ही पूरी की पूरी सॉलिड लिक्विड में बदल जाएगी। अब यहाँ पे है मेल्टिंग पॉइंट रेंज इन टेम्परेचर, लेकिन इसमें क्या होता है कि धीरे धीरे मेल्ट होता है, वो एक बार में मेल्ट नहीं हो पाता है। सपोज मान लो इसका रेंज 400 डिग्री सेल्सियस से 600 डिग्री सेल्सियस के बीच में है, मतलब कि वो 400 डिग्री सेल्सियस से लेकर 600 के बीच में ही पूरी की पूरी, मतलब कि धीरे धीरे करके वो पूरी मेल्ट हो जाएगी, उसका एक फिक्स्ड टेम्परेचर नहीं है, कहने का मतलब है। और ये ट्रू सॉलिड होते हैं, वास्तविक में ये ठोस होते हैं, जबकि ये सूडो सॉलिड होते हैं। सूडो सॉलिड कहने का मतलब कि भ्रम, छल, मतलब कि हमें भ्रम होता है कि वो सॉलिड है, लेकिन एक्चुअल में वो सॉलिड नहीं होते हैं। एक्चुअल में वो क्या होते हैं? वो सुपर कूल्ड लिक्विड्स होते हैं, ठीक है। फिफ्थ है ये एन आइसोट्रॉपिक इन नेचर होते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड, जबकि ये आइसोट्रॉपिक इन नेचर होते हैं। इसके बारे में मैं थोड़ी देर में चर्चा करूँगी, तब तक के लिए आगे बढ़ते हैं। सिक्स्थ है हमारा प्लेन एंड स्मूथ सरफेस व्हेन कट इनटू टू पीसेस। अगर हम क्रिस्टलाइन सॉलिड को अगर कट करेंगे तो ये हमें एकदम प्लेन जो सरफेस हमें मिलेगा दोनों का है, बिल्कुल प्लेन और स्मूथ सरफेस हमको मिलेगा, बिल्कुल नए जैसा। लेकिन यहाँ पे अगर हम इसको कट करेंगे तो हमें इरेगुलर शेप और रफ सरफेस एरिया मिलेगा। वहाँ पे कट करने पर इस तरीके से टेढ़े मेढ़े मिलेगा, यहाँ पे स्मूथ मिल रहा था, बिल्कुल दो नए जैसा, लेकिन यहाँ पे बिल्कुल टेढ़ा मेढ़ा सरफेस मिलेगा, उबड़ खाबड़, कहने का मतलब है। इसका एग्जांपल हो गया आपको मेटल और क्वार्ट्ज, और इसके एग्जांपल हो गए ग्लास, प्लास्टिक, रबर, ओके। अब बात करते हैं बच्चों एन आइसोट्रॉपिक और आइसोट्रॉपिक है क्या। तो बच्चों एन आइसोट्रॉपिक क्या होता है? तो वैसे सॉलिड जिसका डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज़ इन डिफरेंट डायरेक्शन, मतलब कि जिसका फिजिकल प्रॉपर्टीज़ डायरेक्शन बदलने के चलते उसका फिजिकल प्रॉपर्टी भी बदलती जा रही है, वैसे सॉलिड क्या कहलाते हैं? एन आइसोट्रॉपिक, ठीक है। और दूसरा है आइसोट्रॉपिक सेम फिजिकल प्रॉपर्टीज़ इन डिफरेंट डायरेक्शन, मतलब कि डिफरेंट डायरेक्शन में भी उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होगी? सेम होगी। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ जैसे हमारा हो गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, थर्मल कंडक्टिविटी, ये सब हमारे क्या है? फिजिकल प्रॉपर्टीज़, ठीक है। तो वो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होगा? वो इसमें डिफरेंट होगा, अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग हमको मिलेंगे, और इसमें
सेम मिलेगा अलग अलग डायरेक्शन में भी। जैसे मैं आपको एक मोटे तौर पर एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश करती हूँ। जैसे मान लो एक प्लेट में आपका चावल है, दाल है, सब्जी है, ठीक है। तो चावल का फिजिकल प्रॉपर्टी अलग होगा, दाल का अलग होगा और सब्जी का अलग है। लेकिन अगर उन तीनों चीज़ों को अगर हम मिक्स करके खिचड़ी बना दें तो फिजिकल प्रॉपर्टी किधर से भी देखो आप क्या होने वाली है, सेम नज़र आने वाली है। तो उसी चीज़ को यहाँ पे समझने का प्रयास करते हैं। जैसे मान लो कि अगर हम फिजिकल प्रॉपर्टी इस साइड से अगर हम देखें, ठीक है, तो हमें क्या मिल रहा है, इधर मिल रहा है रेड, ब्लू, रेड इस तरीके से, ठीक है। अगर हम डायरेक्शन चेंज करके देखें, अगर हम इस साइड से अगर हम देखें फिजिकल प्रॉपर्टीज़, तो हमें क्या मिल रहा है, रेड 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 केवल मिल रही है, ठीक है। अगर इस साइड से अगर हम देखें तो हमको क्या मिल रहा है, सिर्फ ब्लू 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 मिल रहा है। समझ में आ रही है बात? तो डायरेक्शन चेंज करने से हमको क्या मिल रहा है, उसका फिजिकल प्रॉपर्टी भी हमको डिफरेंट मिल रही है, अलग अलग मिल रही है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे तो सब जगह रेंडमनेस फैला हुआ है हमारा पार्टिकल, तो किधर से भी इसको फिजिकल प्रॉपर्टी देखो, इधर से देखो, डायरेक्शन चेंज करके देखो, तो हमको सेम ही मिलने वाली है, ठीक है। जैसे मान लो ये एक डस्टर है, अगर हम इसमें अगर करंट पास कराएंगे, ठीक है, करंट पास कराएंगे, इस साइड से आप कराओ, चाहे इस साइड से, चाहे इस साइड से, कहीं से भी आप करा लो, तो इसमें इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज नहीं होने वाली है, करंट पास हो ही नहीं रहा है, ठीक है। लेकिन अगर इसके जगह पर अगर कोई मेटल का अगर हम मटेरियल ले लेते, अगर हम इसको इस साइड से इलेक्ट्रिसिटी पास कराते, तो इधर से वैल्यू कुछ और आती, इस साइड से वैल्यू कुछ और आती, इस साइड से वैल्यू कुछ और आती हमको मिलती। तो समझ में आ रही है ना बात, एन आइसोट्रॉपिक और आइसोट्रॉपिक किसको बोलते हैं। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम NCERT का इन टेक्स्ट क्वेश्चन लेकर आएंगे इससे रिलेटेड। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को लाइक कर दें। अगर आप हमारे इस चैनल में पहली बार आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को हिट कर लें, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।